नमस्ते। अभी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक बहुत ही बढ़िया स्कीम चलाई गई है, जिसका नाम है फ्री कोचिंग योजना। इस योजना के अंतर्गत जो भी एससी और ओबीसी कैंडिडेट होते हैं जो कि कोचिंग करना चाहते हैं, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि कंपटीशन की तैयारी जो है बहुत सारे कैंडिडेट करते हैं और वो जो है आर्थिक रूप से कमज़ोर भी होते हैं, तो ऐसे में जो है स्कीम जो है उन्हीं के लिए चलाया गया है कि जो भी कैंडिडेट एससी और ओबीसी कैटेगरी से आते हैं और वो जो है फ्री में कोचिंग करना चाहते हैं तो अपने मनपसंद कोचिंग को सिलेक्शन कर सकते हैं और सरकार जो है उनका जो भी कोचिंग का इंस्टीट्यूट का फ़ी है वो जो है सरकार उनको पेमेंट करेगी। बेसिकली आप सभी को पता ही है कि कैंडिडेट जो होते हैं यूपीएससी, बीपीएससी, एनडीए, नीट, एसएससी, बैंक या फिर और भी बहुत सारे ऐसे मतलब कंपटीशन की जो तैयारी होते हैं वो करते रहते हैं, तो अगर आप भी उनमें से एक हैं तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया खुशखबरी है। आप घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप जो भी कोचिंग करना चाह रहे हैं उसका जो फ़ी है सरकार आपको देगी। साथ ही साथ यहाँ पे कमाल की बात यह है कि 4,000 जो है पर मंथ आपको यहाँ पे सहायता राशि भी दी जाएगी, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग जो है संपूर्ण जानकारी आपको हम बताने जा रहे हैं कि इसमें जो है कौन लोग एलिजिबल हैं, कौन लोग फॉर्म को फिल करेंगे, ओवर इंडिया में कितना सीट रखे गए हैं, किस तरह से आपका सलेक्शन होगा, ठीक है, किस तरह से फॉर्म को फिल करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, सारा जानकारी जो इस वीडियो में आपको हम क्लियर करके बताएंगे। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन आपको जानकारी सही मिलने वाला है। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को फटाफट लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और ऐसे ऐसे वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो सबसे पहले अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र में टाइप करना है फ्री कोचिंग योजना, लास्ट में ईजी टू नेट आपको जरूर लगाना है, तब जाकर जो है ये वाला पोस्ट आपको मिलेगा, इस पर क्लिक करके ओपन कर लेना है। वैसे हम डायरेक्ट लिंक भी प्रोवाइड कर दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्लिक करके आप आ जाएंगे। सबसे पहले देख सकते हैं कि ये जो है फ्री स्कॉलरशिप है, मतलब कि मान लीजिए अगर आप भी किसी प्रकार का कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आप जो है इसमें फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और ये जो है केवल एसी और ओबीसी कैटेगरी से आते हैं उनको ही मिलेगा, और इसमें जो है 3500 सीट रखे गए हैं, यानी कि पूरा इंडिया में जो है 3500 सीट रखे गए हैं, जिसमें आपका जो भी इंस्टीट्यूट का फी है वो भी सरकार देगी और साथ ही साथ 4,000 रुपये जो है पर मंथ आपको देगी। इसका जो फॉर्म है 1 मई से शुरू हुआ है और 31 मई तक जो है आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आपको नीचे आना है तो इसके बारे में मैंने डिटेल्स में जानकारी दे दिया है, आप एक बार देख लेंगे, ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप तो वीडियो देख ही रहे हैं, वीडियो में आपको सारा जानकारी मिल ही जाएगा। आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट लिंक का जो है सेक्शन मिलेगा, देख सकते हैं कि आपको जो है ऑफिशियल वेबसाइट का एक सामने क्लिक हेयर का बटन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप जो है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे आप आ जाएंगे। अब यहाँ से जो है सारा जानकारी आप हासिल कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, फॉर्म को भी फिल कर सकते हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इवेंट वाला सेक्शन है इसमें आप आएंगे तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है एडवर्टाइजमेंट फॉर इन्वाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 2022-23 अंडर फ्री कोचिंग स्कीम, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो है शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि जो भी एसी और ओबीसी कैटेगरी से आते हैं जिनका फैमिली इनकम जो है 8 लाख से कम है उनको जो है फ्री कोचिंग का लाभ दिया जाएगा। साथ ही साथ यहां बताया गया है कि टोटल जो सीट है 3500 रखे गए, यानी कि पूरा इंडिया में जो है 3500 कैंडिडेट का सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे जो एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन मोड में यहाँ पे रिसीव किए जाएंगे, यानी कि ऑनलाइन आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो डेट मैंने आपको बता ही दिया कि 1/5/2022 से 31/5/2022 के बीच में आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ बताया गया है कि जो भी आपका कोचिंग का फ़ी है वो तो गवर्नमेंट आपको देगी ही, साथ ही साथ यहाँ पर 4,000 पर मंथ जो है यहाँ पर स्टाइपेंड के रूप में जो है 9 महीना तक आपको मिलेगा। इसके बाद पीछे आएंगे ना तो यहाँ पे एक और डिटेल्स में नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्री कोचिंग स्कीम फॉर एसी एंड ओबीसी स्टूडेंट का जो बटन दिया गया है इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है एक डिटेल्स में नोटिफिकेशन डाउनलोड होगा, जिसमें जो है सारा चीज़ क्लियर मेंशन करके बता दिया गया है, एक बार समझ लीजिएगा। नीचे आइएगा तो देख सकते हैं कि यहाँ पे बताया गया है कि आप कौन कौन सा कोर्स करते हैं तो आपको जो है सारे बेनिफिट मिलेंगे, जैसे कि मान लीजिए बीपीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, आरआरबी हो गया, और भी देख सकते हैं कि जी मेंस हो गया, नीट हो गया, मतलब जितने भी यहाँ पे कोर्सेज दिए गए हैं सारे मतलब कंपटीशन की तैयारी आप करेंगे तो आपको जो सरकार यहाँ पे जो भी आपका फ़ी होगा वो देगी, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं कि बताया गया है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, यानी कि अगर आप एसी और ओबीसी कैटेगरी से आते हैं अप्लाई कर सकते हैं, 8 लाख से जो है कम आपका फैमिली का इनकम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप जो है 12वीं या फिर ग्रेजुएशन पास कर लिए हैं अप्लाई कर सकते हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बताया गया है कि यहाँ पे जो है 3500
स्टूडेंट का जो है सिलेक्शन किया जाएगा, यानी कि पर साल जो है 3500 स्टूडेंट का यहाँ पे सिलेक्शन किया जाता है, इतने लोग सेलेक्ट होते हैं जिनको भी बेनिफिट दिया जाता है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे सारा जानकारी आपको मिलेगा। देख सकते हैं कि बताया गया है कि जो भी आपका कोचिंग का फ़ी है वो जो है DBT के माध्यम से सिंगल इंस्टॉलमेंट में सेंड किया जाएगा। जैसे ही अपना जो आप अपने इंस्टीट्यूट का जो फी रिसिप्ट होता है, मान लीजिए आप कहीं भी पढ़ाई करेंगे उसका जो है फी रिसिप्ट मिलेगा, उस रिसिप्ट को आप पोर्टल पर अपलोड करेंगे तो उसके 2 वीक यानी कि 14 दिन के अंदर जो है आपका पेमेंट जो है 1 सिंगल इंस्टॉलमेंट में सेंड कर दिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ देख सकते हैं कि जो मंथली स्टाइपेंट है वो भी आपको 4000 पर मंथ 9 महीना तक दिया जाएगा, या फिर जो भी आपका कोर्स का ड्यूरेशन होगा उसके हिसाब से आपको मिलेगा। उसके बाद देख सकते हैं कि कितना किन का सिलेक्शन होने वाला है। जो 12 पास कैंडिडेट है उनका 1400 सिलेक्शन, और जो डिग्री पास कैंडिडेट है उनका जो है 2100 सिलेक्शन। यहाँ पे टोटल 35 सिलेक्शन होगा। कौन सा कैटेगरी में कितना गर्ल्स और बॉय का होने वाला है यहाँ पे डेटा दिया गया है, आप देख सकते हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो सिलेक्शन होता है कि किस तरह से जो है कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा, तो यहाँ पे बताया गया है कि जो भी मान लीजिए आपका मेरिट लिस्ट है ना उसके ऊपर यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे जो आपका पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप होता है, जैसे कि आपने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप या फिर नेशनल जो स्कॉलरशिप पोर्टल होता है उस पर आपने डेटा को दिया हुआ है तो वहाँ से भी लेकर मेरिट लिस्ट बनाया जा सकता है, या फिर आप नए सिरे से अप्लाई करेंगे तो वहाँ से भी लेकर आपका डेटा का जो है मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, उसके बाद ही आपका यहाँ पर सलेक्शन होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर डेट दिया गया है जैसे कि 1 मई से अप्लीकेशन स्टार्ट है, 31 मई तक फॉर्म को फिल कर सकते हैं। देख सकते हैं कि 5 जून को जो है आपका PMS पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप या फिर TCS का स्टूडेंट जो होते हैं उनका जो है मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, और प्लेन जो भी लोग होते हैं उनका जो है 30 जून को जारी किया जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो फी रिसिप्ट है अपलोड कर सकते हैं 4 दिसंबर से पहले, और 29 दिसंबर के पहले प्लेन कैंडिडेट कर सकते हैं। और वही जो है आपका कोचिंग का फी वगैरह वगैरह देख सकते हैं कि यहाँ बताया गया है जिसको आप देखेंगे, और हॉल टिकट वगैरह वगैरह का यहाँ पर अपलोडिंग का डेट दिया गया है वो भी आप देख लेंगे। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको और भी जानकारी मिल जाएगा जिसको आप पढ़ेंगे समझेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि कोर्सेज़ का नाम दिया गया है, टोटल कितना आपको पैसे दिए जाएंगे और क्या ड्यूरेशन रहेगा। अगर आप सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो 1,20,000 रुपया जो कि 9th मंथ का कोर्स होता है। SSC RRB का देख सकते हैं कि 40,000, बैंकिंग इंश्योरेंस का 50,000, GNEET का 1,20,000, इस तरह से आप यहां पर देखेंगे। ठीक है, तो जो भी आप कोर्सेज कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको कितने पैसे मिलेंगे, मतलब कि आपका जो भी इंस्टीट्यूट का फ़ी है कितना मिलेगा यहाँ पर बता दिया गया है। फिल करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है कि हमारे वेबसाइट पर आना है, और यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का जो बटन है यहाँ पर देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन का बटन दिया गया है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जहाँ पे जो भी स्टूडेंट है अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप यहाँ पे पहले से NSB अगर आपके पास ID है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल का, तो आप यहाँ पे यस करेंगे और ID आपको देना होगा यहाँ पे, और ID देकर आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, नहीं है तो नो करिएगा। उसके बाद मान लीजिए आपके पास पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का बेनिफिशियरी ID है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। कैटेगरी आपका क्या है, 2 ही कैटेगरी यहाँ पे मिलता है, SC और OBC। उसके बाद कैंडिडेट का नाम, फादर नेम, जेंडर देना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल ID, डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ से चूज कर लेंगे। उसके बाद एक पासवर्ड आपको सेट करना है, उसी पासवर्ड को कंफर्म पासवर्ड में डालना है, और आपने जो है 10th कहाँ से पास किया है वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद 10th बोर्ड सर्टिफिकेट नंबर आपको देना होगा, यानी कि जो भी मार्कशीट पर सर्टिफिकेट नंबर रहता है वो आपको देना है। उसके बाद आपने कब पास किया था वो आपको यहाँ पे लिखना होगा कि आपने जो है कब पास किया था, और उसके बाद यहाँ पे जो भी कैप्चा है इसको भर के आपको जो है रजिस्टर्स के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है यहाँ पर देख सकते हैं कि सक्सेसफुल हो जाता है, और बोला जाता है कि आपका जो ईमेल आईडी है, आपका यूजर नेम है, और आपने जो पासवर्ड दिया था वो आपका पासवर्ड है, उससे जो है लॉगिन कीजिए। तो लॉगिन करने के लिए लॉगिन के बटन पर आपको क्लिक करना है और अपना ईमेल आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉगिन कर लेना है। जैसे ही लॉगिन कर लेते हैं तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आएगा जहाँ पे 2 बटन आपको मिलता है, एप्लीकेशन फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स पेज। तो आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म का जो बटन है इस पर क्लिक करना है, तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जहाँ पे अपना जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालना है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन करते समय कुछ जानकारी आपने दिया है तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ले लिया है, बाकी जो जानकारी है आपको फिल करना है। जैसे कि यहाँ पर फादर का नेम, यहाँ पे अगर आपका उम्र 18+ है तो यस करके यहाँ पर आधार नंबर आपको देना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो पूछा जाता है कि क्या आप विकलांग है, तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। आपका शादी हुआ है कि नहीं हुआ है आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है,
आपका जो डोमिसाइल है वो कहाँ है सिलेक्ट करना है, जैसे कि बिहार कि कौन सा स्टेट से आप आते हैं सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका जो डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट है वो क्या है यहाँ पर सिलेक्ट करना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो है करेंट एड्रेस आपको फिल करना होगा, जैसे कि एड्रेस लाइन वन में अपना हाउस वगैरह वगैरह प्लॉट नंबर लिखेंगे, एड्रेस लाइन टू में अपना जो भी स्ट्रीट है रोड है वो लिखेंगे, यहाँ पर जो स्टेट आपको सिलेक्ट करना है, और उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है और पिन कोड इंटर कर देना है। उसके बाद कहा जाता है कि अगर आपका परमानेंट एड्रेस जो है सेम है प्रेजेंट एड्रेस से तो आप यहाँ पे टिक करेंगे यस करेंगे तो आपका जो है दोनों सेम हो जाएगा, लेकिन अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस से परमानेंट एड्रेस जो है अलग है तो आप यहाँ पे अलग फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पूछा जाता है कि एग्जामिनेशन डिटेल्स फॉर विच कोचिंग इज रिक्वायर्ड, मतलब कि आप जो है कौन सा कोचिंग रिक्वायर्ड है, आपको कौन सा कोचिंग आप करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर सारे आपको मिल जाते हैं, बैंकिंग एग्जाम हो गया, सिविल सर्विसेज हो गया, मतलब जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। एग्जाम का जो है प्रिपरेशन आप करेंगे और इसका जो भी फ़ी होगा गवर्नमेंट आपको देगी। उसके बाद यहाँ पे इंटरमीडिएट जो क्वालिफाइंग एग्जाम है आपको फिल करना होगा, जैसे कि आपने जो है कौन सा कोर्स किया हुआ है, तो जैसे कि मान लीजिए अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है तो इंटरमीडिएट देंगे, अगर आपने यहाँ पे ग्रेजुएशन किया हुआ है तो ग्रेजुएशन देंगे, ठीक है। उसके बाद पूछेगा कि आप जो है ग्रेजुएशन पास कर गए हैं या फिर इंटरमीडिएट पास कर गए हैं या फिर अपियरिंग हैं, तो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर 10th जो है एग्जामिनेशन डिटेल्स आपको देना होगा कि आपका 10th का इंस्टीट्यूट कॉलेज का नाम क्या है, कौन सा स्टेट में है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है, उसका पूरा एड्रेस क्या है, स्ट्रीम क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको मिल जाता है, आपने कब उसको पास किया था यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने जो है स्कोरिंग क्या था, आपका CGPA था कि मार्क्स था, आप यहाँ पर सेलेक्ट करके उसका परसेंटेज भी यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ पे फर्स्ट जो सब्जेक्ट था उसमें आपका टोटल मार्क्स कितना था, उसमें से आपने कितना लेकर आए हुए थे और उसका परसेंटेज क्या है यहाँ पर आपको फिल करना होगा। जैसे कि मान लीजिए आपका पहला जो है केमिस्ट्री था, तो इस तरह से जो है आप केमिस्ट्री लिखेंगे और उसमें टोटल मार्क्स कितना था, तो 100 नंबर का था, उसमें से आपने कितना लेकर आया था और आपका परसेंटेज जो है कितना है, इस तरह से आपको फिल करना होगा। टोटल जितने भी आपका सब्जेक्ट है सभी को यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछा जाता है कि स्टेट का कोई फ्री कोचिंग का लाभ आपने लिया है, तो आप यहाँ पे यस करेंगे, नहीं लिया है तो नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कितने बार लिया है आपको यहाँ पे देना होगा, अगर आपने लिया है तो नहीं लिया है तो छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल्स आपको फिल करना होगा, जैसे कि अकाउंट होल्डर का नेम क्या है, कैंडिडेट का ही अकाउंट नंबर आपको देना है, उसके बाद बैंक का नेम क्या है, अकाउंट नंबर क्या है, IFSC कोड क्या है, सारा जानकारी आपको फिल करना होगा। उसके बाद टोटल इनकम आपको देना होगा, जो भी आपके फैमिली मेंबर है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 8 लाख से कम होना चाहिए, तो फादर का नेम क्या है नेम यहाँ पर लिखेंगे, उनका एज क्या है एज लिखेंगे, वो कौन सा काम करते हैं, सैलरी पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, कैजुअल है, अदर है या फिर नॉट एम्प्लॉयड है, जो भी है आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और उनका जो ईयरली इनकम कितना है आपको यहाँ पे लिखना होगा। और वो ITR भरते हैं तो यहाँ पे फिलेड लिखेंगे टिक करेंगे, नहीं भरते हैं तो नॉट फिलेड लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद मदर क्या करती है, अगर आपका शादी हो गया है तो हस्बैंड या फिर आपका जो पत्नी है वो क्या करती है, उनका नाम वगैरह वगैरह यहाँ पे देना होगा। सेल्फ का भी आप यहाँ पे देखेंगे कि सेल्फ आप क्या करते हैं, आपका कितना इनकम है, और किसी को जोड़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं। साथ ही साथ रिलेशनशिप में किसी का इनकम आप यहाँ पे देना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए ब्रदर सिस्टर चिल्ड्रेन गार्डियन का देना चाहते हैं, तो उनका भी यहाँ पे सिलेक्ट करके उनका नाम लिखकर एज लिखकर क्या करते हैं इनकम क्या है सारा चीज़ यहाँ पे आप दे सकते हैं। किसी और का ऐड करना चाहते हैं तो ऐड मोड पर क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो डिक्लेरेशन आपको देना होगा कि मैं सारा चीज़ सही दिया हूँ, उसके बाद यहाँ पे सबमिट फॉर्म के बटन पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो अब जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए बोला जाएगा, जो कि JPG PNG फॉर्मेट में होना चाहिए। सबसे पहले जो है यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, उसके बाद 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, उसके बाद यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट, यहाँ पे फोटोग्राफ कैंडिडेट का सिग्नेचर, और उसके बाद परमानेंट एड्रेस प्रूफ में जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, जो भी ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह वगैरह है आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। करेंट एड्रेस प्रूफ आपको यहाँ पे देना होगा, जिसमें जो भी आपका करेंट एड्रेस का प्रूफ है आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। और अगर आप डिसेबिलिटी है तो आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करेंगे, नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। तो इसमें यहाँ पे चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके आपको जो है अपलोड के बटन पर क्लिक करना होगा, तो डॉक्यूमेंट्स आपका अपलोड हो जाएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने के बाद सिंपल सा आपको नीचे आना है, नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो है सिग्नेचर आपका आ जाएगा और यहाँ पे प्लेस लिखना है। प्लेस लिखने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको जो है सबमिट फॉर्म के बटन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही सबमिट फॉर्म के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। उसके बाद फॉर्म को सबमिट करने के बाद आपको जो है वेट करना है, आपके मोबाइल नंबर पर या फिर आपका जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है उसके माध्यम से आपको जो है समय समय पर सूचना दी जाएगी। जैसे कि अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको जो है मैसेज द्वारा या फिर मेल द्वारा जो है आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। जैसे कि आपने देखा कि मैंने आपको बता दिया कि फ्री कोचिंग योजना जो कि OBC और SC कैंडिडेट के लिए चलाया जा रहा है, इसमें आप किस तरह से रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद किस तरह से जो है आपको कोचिंग का जो भी इंस्टीट्यूट का फ़ी है आपको मिलेगा,
साथ ही साथ यहाँ पे 4,000 पर महीने जो है आपको कैसे दिए जाएंगे और किस तरह से आपको कोर्स करना है, क्या करना है, मैंने सारा जानकारी क्लियर करके बता दिया है। फिर भी आपके मन में किसी भी प्रकार का सवाल होगा तो आप हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पर जो कॉन्टैक्ट अस दिया गया है वहाँ का जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिया गया है वहाँ भी आप कॉन्टैक्ट करके अपना जो है जानकारी हासिल कर सकते हैं। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहाँ भी हैं सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।